नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। पटना में आज पुलिस ने बेरोजगार शिक्षक कैंडिडेट के प्रदर्शन पर लाठी चार्ज किया है। पटना के एडीएम के सिंह ने तिरंगा लिए एक प्रदर्शनकारी पर जमकर लाठी बरसा रहे हैं। इतनी लाठियां मारी कि उसके खून बहने लगा। बाद में एक पुलिसकर्मी ने प्रदर्शनकारी के हाथ से तिरंगा छीन लिया। अब सवाल ये उठता है कि देश अभी तिरंगा यात्रा और अमृत महोत्सव के नशे में ठीक ठाक उबर भी नहीं पाया था और इस देश के बाबू लोग उसी तिरंगे पर लाठियां बरसा रहे हैं, क्या यह तिरंगे का अपमान नहीं है? अगर तिरंगा लेकर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो सरकारी बाबू को उस पर डंडा चलाने का अधिकार किसने दे दिया? एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर घर तिरंगा लगाना है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न जाने कितने परेड तिरंगे के सहारे निकाले गए। एक और जहां तिरंगा हमारी अस्मिता और देश प्रेम का प्रतीक है, ऐसे में सरकारी बाबू का लगातार उस पर डंडा चलाना, क्या ये देशद्रोह उस जैसे अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा? फिर इस देश में जो कथनी और करनी में अंतर साफ साफ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उस जगह की जहां यह घटना हुई। तो साहब, ये जगह है हमारे सुशासन बाबू का बिहार, जहां कई वर्षों से सुशासन का नारा खूब गूंज रहा है। ठीके तो है नीतीश कुमार, ये जुमला खूब चलता है। क्या यही ठीक है जहां छात्र पीटे जा रहे हैं और बीच चौराहे पर तिरंगे पर एक बौखलाया अधिकारी अपना सारा गुस्सा निकाल रहा है? खैर, जाने दीजिए, यहाँ हर कोई या तो पीट रहा है या पिटा रहा है। पूरी कहानी सुनिए। करीब 5,000 सीटेट और बीटेट पास कैंडिडेट डाक बंगला चौराहे के पास प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पटना डीएम ने इस मामले में जांच का आदेश हालांकि जारी कर दिया है और 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है। ये कैंडिडेट 7वें चरण की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। भारी संख्या में पुलिस फोर्स और वाटर कैनन तैयार थी। कैंडिडेट्स बिहार के नए शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, सरकार से प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मामले पर पटना जिलाधिकारी से फोन कर बात की है। तेजस्वी के ऑफिस ने ट्वीट करते हुए ये बताया है कि पटना डीएम और सेंट्रल एसपी और डीडीसी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और ये पता लगाया जा रहा है कि एडीएम ने अभ्यर्थियों पर स्वयं लाठीचार्ज क्यों किया, ऐसी क्या नौबत आ गई थी। अगर दोषी पाए जाएंगे जो संलिप्त पदाधिकारी हैं, अगर दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। 7वें चरण के नियोजन के लिए विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर 5,000 कैंडिडेट्स ने डाक बंगला चौराहे को 4 घंटे तक जाम रखा। अभ्यर्थी विकास ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करे। नए शिक्षा मंत्री के आने से उम्मीदें जगी थी, लेकिन ये भी हमें घुमाने लगे। लाठीचार्ज में 28 लोग घायल हुए। 5 से 6 अभ्यर्थी JPPMCH में भर्ती कराए गए। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा 8 साल बाद होनी। नोटिफिकेशन 2019 में जारी किया गया था। जनवरी 2020 में ऑफलाइन मोड परीक्षा हुई थी, लेकिन 2-3 सेंटर पर फर्जीवाड़े की बात सामने आने के बाद उसे रद्द कर दिया गया। दोबारा परीक्षा सितंबर 2020 में हुई, तब ये ऑनलाइन हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 3 साल से अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का कोई जवाब नहीं आ रहा है। हमारी शिक्षा विभाग हमारी मांगों को अनसुनी करता आया है। नई शिक्षा मंत्री बनने के बाद हम लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। समस्या जब तक नहीं सुनी जाएगी, हम लोग ऐसा करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।